ये ड्यूएल क्लच सिस्टम के मुख्य पार्ट्स हैं। ये क्लच कवर है, ये क्लच फिंगर है, ये क्लच फिंगर है जो कि प्रेशर प्लेट को पीछे लाती है। इसके अंदर ये एंटी रेटल स्प्रिंग लगी है और नीचे कॉइल स्प्रिंग। ये छह फिंगर हैं और इसके अंदर पहले हम फिट करते हैं पीटीओ क्लच प्लेट, जिसका ये डाया, इसके अंदर स्प्लाइंस बनी है। आप देख सकते हैं स्प्लाइंस बनी है, इसका डाया ज़्यादा होता है। और ये इंजन की क्लच पीटीओ है, इंजन में जो पावर देता है क्लच शाफ्ट के अगले भाग में लगता है। क्लच शाफ्ट की सेपरेट होती है, ये सीधे गियर बॉक्स को पावर देता है। और ये पीटीओ की अलग शाफ्ट होती है, पीटीओ शाफ्ट खोखली होती है, उसके अंदर से ये सॉलिड शाफ्ट जाती है। तो ये पीटीओ को पावर देता है, जब ज़रूरत होता है तो पीटीओ को हम पावर इससे लेते हैं और जोड़ते हैं, हटाते हैं। तो पीटीओ क्लच प्लेट, पीटीओ प्रेशर प्लेट, फिर ये बीच में इंटरमीडिएट प्लेट, इंजन पीटीओ या गियर बॉक्स को पावर देने वाली पीटीओ, और ये इंजन पीटीओ की ये इंजन क्लच प्लेट की प्रेशर प्लेट। तो इसमें स्टूडेंट लोग ध्यान दो, दो क्लच प्लेट है इसलिए इसका नाम है डबल क्लच प्लेट सिस्टम। इसमें दो प्रेशर प्लेट है, एक बीच में इंटरमीडिएट प्लेट है, और ये क्लच कवर है। ये क्लच कवर के अंदर ही पूरी इसके हैंडल के अंदर ये पूरे ये पांचों पार्ट्स असेंबल करते हैं और इसकी हाइट को एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर पीटीओ को पावर देने के लिए अलग क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स ट्रांसमिशन को पावर देने के लिए अलग क्लच प्लेट्स दिया है। दोनों के बीच में एक पहले पीटीओ क्लच प्लेट, फिर पीटीओ प्रेशर प्लेट, ये इंटरमीडिएट प्लेट और गियर बॉक्स ट्रांसमिशन प्लेट, उसके बाद प्रेशर प्लेट के लिए।